यार इस गवार को बहुत देर से देख रहा हूँ, यहाँ बैठा है खाली, ना तो कुछ ऑर्डर कर रहा। शायद इसे पता नहीं यहाँ बैठने के पैसे लगते हैं, इसके पास ही चलता हूँ। अरे भाई यार, मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ, तू यहाँ पे बैठा है, ना तो तू कुछ ऑर्डर कर रहा, तू किस लिए बैठा है भाई यहाँ? और भाई सुन, यहाँ बैठने के पैसे लगते हैं, ऐसे यहाँ फ्री में नहीं बैठा जाता। अगर तुझे यहाँ बैठना ही है तो कुछ ऑर्डर कर और वहाँ पे बिल पे कर, जब यहाँ बैठ फोन चला। भाई ये क्या तरीका, आप अपने कस्टमर से कैसे बात करते हो? आपको बोलने की तमीज़ नहीं है क्या? भाई मुझे तो पूरी तमीज़ है, लेकिन शायद तुझे पता नहीं, तू यहाँ बैठ के फ्री फोन चला रहा है। ऐसे हैंडल करते हो आप अपने कस्टमर को? भाई हम अपने कस्टमर कैसे हैंडल करें, तुझे इन सबसे क्या मतलब है? मुझे लगा तेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी क्या अभी? ओ भाई मेरी ज्वाइनिंग नई हो या पुरानी, तुझे क्या है सबसे? तुम अभी मुझे जानते नहीं, और अगर जान जाओगे ना तो फिर माफ़ी मांगोगे और तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। जॉब भी जा सकती है? अरे भाई तू ऐसा है कौन ये तो बता। तुम अपनी मैनेजर को बुलाओ, वंशिका है ना तुम्हारी मैनेजर का नाम। भाई तू हमारी मैनेजर को कैसे जानता है? ओ शायद कहीं पे देख लिया होगा और उनका नाम सुन लिया होगा। अरे वंशिका है ना, तुम उसको बुलाओ, वही बताएगी अब आपको मैं कौन हूँ। भाई हमारी मैनेजर फ्री नहीं है, तुझ जैसे के पास आए हैं, तुझसे बात करें यहाँ। अरे तू सब बुला ना जब मैंने बोला। अरे ये सीएम किससे बहस कर रहा है इतनी देर से, ये कर क्या रहा है वहां पे? अभी देखती हूँ इसको। अरे शिवम क्या हो रहा है ये सब? ये कैसे स्टाफ रख रखा है तुमने, इन्हें कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है। क्यों क्या हुआ? ऐसे बात करते हैं कस्टमर से जैसे करता है। ऐसा इसने क्या किया, और आप हैं कौन जो आप हमारे स्टाफ के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं? मैं सोनू सैनी। सोनू सैनी, आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हो ना? जी हाँ, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। शाम तुम भी ना? सॉरी सर, ये आपको पहचान नहीं पाया। सर आप और इस तरह यहाँ पे बैठे हैं, आप केबिन में बैठिए ना। अरे वो सब तो ठीक है, मैं ही ठीक हूँ, पर ये कैसे स्टाफ रख रखा तुमने? क्या है शिवम, तुम्हें थोड़ी भी तमीज़ ही नहीं है क्या? क्या कस्टमर से कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, और तुम्हारी वजह से मुझे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अरे सॉरी मैडम, मैं इनको पहचान ही नहीं पाया कि इस रेस्टोरेंट के ओनर भी हो सकते हैं। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके कपड़े देख के सोचा ही नहीं था कि आप इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना। तो तुम कस्टमर को उसके कपड़े देख के जज करते हो क्या? सर प्लीज़ आप इसको माफ़ कर दो, जाओ तुम अपना काम करो, और आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सर आप केबिन में बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का मंगाती। अरे नहीं नहीं मैं ही ठीक हूँ।